विस्तार खट्टर जी का भाषण सुने तो एक के बाद एक झूठे वायदे सुनाई देते हैं। भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को सही दाम देंगे। अच्छा बताइए, रोजगार कितने लोगों को मिल रहा है हरियाणा में आजकल? किसी को मिल रहा है? मारुति फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, टाटा की फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, करोड़ों युवा बेरोजगार। और नरेंद्र मोदी एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। और यहां पे खट्टर जी, मन की बात, हर 10 दिन मन की बात। तो मैंने सोचा अपने भाषण में शुरुआत में मैं मन की बात के बजाय काम की बात करता हूं। और ये आप समझ लो कि यहां से जो स्टेज से मैं आपको कह रहा हूं वो होगा। और मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप जाइए कर्नाटक चले जाइए, वहां पूछिए कर्जा माफी हुई हाँ या ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जाके पूछ लीजिए। जो हम स्टेज से कहते हैं हम करके दिखा देते हैं। तो मैं आपको शुरुआत में कहना चाहता हूं, आपके 3-4 मुद्दे हैं यहां पे मेरे सामने लिखे हुए हैं। पहला मुद्दा, गुड़गांव से अलवर की रेलवे लाइन। दूसरा, न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देना। तीसरा, कोटला लेक एक्सपेंशन। और चौथा, मेवात कनाल। मैं आपको यहां झूठे वायदे करने नहीं आया हूं, मगर मैं आपको डायरेक्ट सीधा बोल रहा हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो ये काम चारों हो जाएंगे। ये थी काम की बात, अब थोड़ी मन की बात करता हूं। शैलजा जी ने सही कहा, विचारधारा की लड़ाई है। इस देश में अलग अलग जात के लोग रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, अमीर लोग, गरीब लोग, युवा, बुजुर्ग, सब रहते हैं एक साथ। और इन सब लोगों को हम हिंदुस्तान कहते हैं। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है और हमारा काम लोगों को जोड़ने का है। बीजेपी और आरएसएस का काम जो पहले अंग्रेज करते थे, देश को तोड़ने का काम, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाने का काम, गरीब को अमीर से, हिंदू को मुसलमान से, महाराष्ट्र के लोगों को हरियाणा के लोगों से, जहां भी ये जाते हैं किसी ना किसी को लड़ा के वापस निकलते हैं। और नतीजा आपको दिखाई दे रहा है, नतीजा दिख रहा है। अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ गई, किसी भी प्रदेश में चले जाओ। मैं कुछ दिन पहले गुजरात में था, कल महाराष्ट्र में था, और वहां किसी से पूछ लो, भैया बताओ काम कैसा चल रहा है। छोटे दुकानदार के यहां चले जाओ, पूछो भैया क्या हो रहा है, छोटी फैक्ट्री में चले जाओ,
मीडियम साइज बिजनेस में चल पड़े उनको छोड़ो, सबसे बड़े उद्योगपतियों से पूछो काम कैसा चल रहा है। आपको सबके सब बताएंगे भैया बेड़ा गर्क हो गया यहां पे, तो सत्यानाश कर दिया नरेंद्र मोदी ने, मार दिया, खत्म कर दिया। पहले नोटबंदी, आप सबसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, सबको लाइन में खड़ा किया, कहा था काले धन की लड़ाई है, लाइन में आप लोग खड़े, हिंदुस्तान का किसान खड़ा, युवा खड़ा, बेरोजगार खड़ा, माताएं बहनें खड़ी, उस लाइन में आपने अनिल अंबानी को देखा था क्या? खड़ा था क्या वो? अदानी खड़ा था उसमें? एक काले धन वाला उस लाइन में नहीं खड़ा। आपके जेब में से पैसा निकाला, लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से निकाला, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अंबानी, अदानी, इनकी जेब में डाला, वहां नहीं रुके। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स, जो बचा था वो भी आपके जेब से निकाल दिया। पांच अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स, यहां कोई है जो कह सकता है हां जीएसटी से मुझे फायदा हुआ है? कोई एक यहां पे है आदमी? एक आदमी को फायदा नहीं हुआ। हिंदुस्तान के 15-20 सबसे अमीर अरबपतियों को फायदा हुआ, वो जीएसटी चाहते हैं। छोटे दुकानदार, मिडिल साइज बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, सब खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी उनका बिजनेस हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 लोगों को देना चाहते हैं। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, अगर आप देशभक्त हो तो यह समझाओ कि हिंदुस्तान की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, जो पूंजी है हिंदुस्तान की, उसको आप अपने अरबपति मित्रों को क्यों दे रहे हो, क्यों बेच रहे हो? एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी जी, खट्टर जी इन 15 लोगों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो, अरबपति हैं। नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक काम है कि आपका जो ध्यान है सच्चे मुद्दे से उतरकर इधर उधर चला, इधर उधर जाता रहे, कभी चांद की ओर, कभी कॉर्बेट पार्क। आप सच्चाई पर सवाल ना पूछो, और ये इनके मीडिया के मित्र हैं, ठेका लगा हुआ है, ठेका मैं बता रहा हूं, ठेका लगा हुआ है। आपने कभी देखा है कि भैया टीवी पे, आपने कभी टीवी में देखा है कि भैया हिंदुस्तान में बेरोजगारी 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 बेरोजगारी? नहीं देखा ना? क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये लोग, इनके मालिक नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का युवा समझे कि नरेंद्र मोदी जी ने और उन्होंने मिलकर आपका पैसा चोरी किया है, बिजनेस बंद करवाए हैं, बेरोजगारी लाई। ये आपको बॉलीवुड की बात करेंगे, चांद की बात करेंगे, आसमान की बात करेंगे, राफेल हवाई जहाज दिखाएंगे, मगर उसमें जो चोरी हुई उसके बारे में एक सवाल नहीं पूछेंगे। और सोचते हैं कि जनता को नहीं मालूम, सोचते हैं कि जनता को कोई समझ नहीं है, मगर नहीं मोदी जी, हिंदुस्तान की जनता को सब कुछ मालूम है। हरियाणा में आपको भी पता लगने वाला है क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने किसान का कर्जा माफ किया, हजारों करोड़ रुपए। नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों का 5,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, 15 लोगों का, अंबानी,
अदानी ये सब इनका, मगर कहीं नहीं लिखा जाएगा। पार्लियामेंट में हमने सवाल पूछा, हमने कहा भैया बताओ कितना पैसा माफ किया, पार्लियामेंट में कहेंगे, मगर मीडिया में आपको नहीं दिखाई देगा। राफेल मामले में एयरफोर्स के लोगों ने साफ बोला, सीधा साफ बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं राफेल मामले में कॉन्ट्रैक्ट को बदलवाया। एयरफोर्स का डॉक्यूमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर था, मीडिया नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई आपको नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ झूठ दिखाना है। कभी चांद के बारे में, कभी राफेल हवाई जहाज के सामने पूजा होगी, डिफेंस मिनिस्टर फ्रांस जाएगा, कभी कॉर्बेट पार्क में मूवी बनेगी, मगर नरेंद्र मोदी स्टेज से हिंदुस्तान के युवाओं को यह नहीं कह सकते कि जो मैंने आपसे वायदा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था वो वायदा मैंने तोड़ा। वो किसान से नहीं कह सकते कि भैया जो एमएसपी आपको मिलनी चाहिए वो मैं नहीं देता हूं, मर लो जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, वो नहीं कहेंगे। मगर सच्चाई सबके सामने है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। गुजरात में था, गुजरात के डायमंड मर्चेंट्स आए, कपड़े वाले, कपड़ा बनाने वाले लोग आए, कहते भैया नरेंद्र मोदी ने हमें बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। सुबह शाम इंस्पेक्टर आज चल रहा है, कभी टैक्स वाले आ जाते हैं, कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, रिश्वत लेते हैं चले जाते हैं। ये देखो, और उधर नरेंद्र मोदी कहता है भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अंबानी अदानी का लाउडस्पीकर है नरेंद्र मोदी, समझो बात, लाउडस्पीकर है, दिन भर उनकी बात करता है। और आप देखना, अभी बात 6 महीने बाद देखना, अभी अर्थव्यवस्था की जो हालत है ना, अभी बेरोजगारी, आप 6 महीने बाद देखना यहां पे क्या होता है हिंदुस्तान में, देखना क्या होता है। क्योंकि आप युवाओं को बिना भविष्य दिखाए बेवकूफ बनाए सरकार नहीं चला सकते हो। 6 महीने 1 साल चल सकती है, मगर लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकती है। सच्चाई बाहर आएगी और फिर देखना क्या होता है हिंदुस्तान में, देखना क्या होता है नरेंद्र मोदी का। हरियाणा में चुनाव है और आपको कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताना है। पहले नंबर पे आप याद रखिए हरियाणा में इकॉनॉमी कैसे चलती थी, किसानों को एमएसपी कैसे मिलती थी, आप याद रखिए। उस समय नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या हुआ, 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है नरेंद्र मोदी जी, आपने करवाई है नोटबंदी जीएसटी लगा के। और किसी भी किसान से पूछ लीजिए वो आपको बता देगा, आप जाते तो है नहीं खेत में, कभी नरेंद्र मोदी को देखा है किसान के साथ, ट्रंप के साथ देखा ना, अंबानी के साथ देखा, अडानी के साथ देखा, किसान के साथ खड़े देखा कभी, नहीं दिखेंगे, नहीं दिख सकते। तो सच्चाई ये है, और आप कांग्रेस पार्टी को यहां जिताइए। और मैंने काम की बात तो पहले ही कर दी थी, ये जो आपके 4 काम है मैं आपको यहां से गारंटी दे रहा हूं, जैसे मैंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में कहा, बाकी सब ठीक है, मगर ये 4 चीजें आपके लिए गारंटी करके मैं यहां से कह रहा हूं। फिर से दोहरा देता हूं, रेलवे लाइन गुड़गांव टू अलवर, यूनिवर्सिटी
न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज, कोटला लेक एक्सपेंशन और मेवात कनाल। और आप देख लेना, आप मेरे भाषण देख लो, सब भाषण देख लो 2004 से देख लो, जो मैं कहता हूं मैं करके दिखा देता हूं। मनरेगा, किसान कर्जा माफी 70,000 करोड़ रुपए की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, किसानों के कर्जा माफी, बड़ी सुंदर योजना लाई थे हम आपके लिए लोकसभा में, न्याय योजना। कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने कॉर्पोरेट टैक्स 15 लोगों का, सबसे अमीर लोगों का माफ किया, 1,40,000 करोड़ रुपए एक दिन में खटा अरबपतियों का। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अगर आप चालू करना चाहते हो तो न्याय योजना दो, हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डालो और फिर देखो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे जंप स्टार्ट होती है। अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करना है तो गरीब व्यक्ति के जेब में पैसा डालना ही पड़ेगा, किसान के जेब में पैसा डालना पड़ेगा, मजदूर के जेब में पैसा डालना पड़ेगा। देखिए पहले क्या होगा, 2014 तक ये हमारे प्रेस वाले मित्र थे, इन्होंने मनरेगा का मजाक उड़ाया, दिन भर ये कहते थे मनरेगा पैसा जाया हो रहा है, पैसा जाया हो रहा है। नरेंद्र मोदी भी बोलते थे मनरेगा बेकार योजना है। 2015 में दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट मेरे पास आए, मीटिंग हुई और उन्होंने मुझसे कहा, देखिए राहुल जी एक बात बताएं आपको, जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 2004 से 2014 तेजी से चली थी उसका एक बहुत बड़ा कारण मनरेगा था। मैंने पूछा कैसे, कहते हैं राहुल जी मनरेगा ने गरीब लोगों के जेब में पैसा डाला गांव में, और जैसे ही वो पैसा गरीब लोगों के जेब में गया वैसे ही उन्होंने गांव में छोटे शहरों में माल खरीदना शुरू किया, किसी ने टूथपेस्ट खरीदा, किसी ने साबुन खरीदा, किसी ने गाड़ी खरीदी। जैसे ही लोगों ने माल खरीदना शुरू किया गांव में अर्थव्यवस्था चालू हो गई, फैक्ट्रियां चालू हो गई, लोगों ने माल बेचना शुरू किया। मेरा कहना है ये जो सरकार है लाखों करोड़ रुपए 15-20 लोगों को देती है, ये लोग भाग के कोई फ्रांस जाता है, कोई इंग्लैंड जाता है, कोई अमेरिका जाता है। विजय माल्या, मेहुल चौकसी नरेंद्र मोदी का दोस्त, नीरव मोदी नरेंद्र मोदी का दोस्त, उसको वो भाई कहते हैं, ये पूरा का पूरा पैसा इनको देते हैं, पैसा बाहर कर जाते हैं। इनको समझ ही नहीं है, जिस दिन इन्होंने वही पैसा हिंदुस्तान की गरीब जनता के जेब में डालना शुरू कर दिया, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर कहता भैया जिस दिन मैंने कर्जा माफी की उस दिन छत्तीसगढ़ में इकोनॉमी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही, किसानों ने माल खरीदना शुरू किया, वहां पर फैक्ट्रियां चालू हो गई। तो जितना ये इन लोगों को पैसा देंगे उतना बेरोजगारी बढ़ेगी, उतना किसानों का नुकसान होगा, उतना अर्थव्यवस्था डाउन जाएगी, और जितना ये पैसा गरीब लोगों को देंगे उतनी तेजी से हिंदुस्तान की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। ये बात इनको समझ नहीं आ रही है, और अगर समझ आ रही है तो करना नहीं चाहते क्योंकि अपने मित्रों को पैसा देना चाहते हैं, सीधी सी बात। और 6 महीने में देख रहे हैं यहां क्या होगा, क्योंकि अभी युवा देख रहा है, देख रहा है, कह रहा भैया क्या हो रहा है यहां पे। हर 10 दिन नरेंद्र मोदी मन की बात करता है मगर मेरे पेट में खाना नहीं है, मेरा कोई भविष्य नहीं है। तो 6 महीने पता लगेगा, अर्थव्यवस्था ऐसी डाउन जाएगी पूरा देश एक आवाज से उठेगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मगर हरियाणा में आप इस बात को बदल सकते हो, जरूर दिल्ली में उनकी सरकार है,
मगर हरियाणा में आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई तो हम आपके लिए काम शुरू कर सकते हैं और हरियाणा की जो इकोनॉमी है, हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है, उसको हम पटरी पे ला सकते हैं। हम जानते हैं, करना जानते हैं, हम गरीबों की शक्ति को समझते हैं। हम जानते हैं कि गरीब ही, किसान मजदूर ही इस देश को खड़ा करता है, चलाता है। तो आप कांग्रेस पार्टी को जिताइए, हमारे कैंडिडेट्स हैं यहां पे, इनको जिताइए और हरियाणा में जो बेरोजगारी है, जो किसानों की हालत है, उसे ठीक करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से आप आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।